गुड मॉर्निंग गेट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न ईवीएस इन स्टैंडर्ड 4. सो लेट्स स्टार्ट किड्स. लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 159 पे चैप्टर नंबर 21 हमने स्टार्ट किया था, द वर्ल्ड इज माय होम, कि ये दुनिया मेरा घर है, दुनिया में ही मेरा घर है. तो यहाँ पे हमने देख लिया था टग ऑफ वॉर की, टग ऑफ वॉर मतलब टीवी देखने के लिए क्या युद्ध हो रहा है ना, कि उसके पापा शाम को जो टीवी प्रोग्राम देख, सबको अलग अलग देखना होता है, लेकिन पापा जो देख रहे हैं वही सबको देखना पड़ता है. तो आज हम उसे आगे बढ़ने वाले पेज नंबर 160 पे चलो देखते हैं वाई द डिफरेंस. ये डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस मतलब ये इतना अलग अलग क्यों है ये सारी चीज़ें. सो इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के कितने बजे थे, 7 बजे थे. इवनिंग मतलब शाम का टाइम. प्रतिभा इज हरिंग होम. प्रतिभा, इस लड़के का नाम क्या है, प्रतिभा है. प्रतिभा इज हरिंग, हरिंग मतलब जल्दी में जा रही है घर पे. फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पे जा रही है. हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, कि उसके जो भाई है दोनों संदीप और संजय, तो उसके जो दोनों भाई है संदीप और संजय, वो बिजी है खेलने में एक कॉर्नर में. तो यहाँ पे कॉर्नर में वो सब खेल रहे हैं विद देयर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड के साथ. दे आर इन नो हरी टू गो होम, तो उन्हें कोई जल्दी नहीं है घर जाने की. नो हरी मतलब कोई भी जल्दी नहीं है घर जाने की. इवन इफ दे आर लेट, अगर वो लेट हो जाए तो नो बडी विल स्कोल्ड देम, तो स्कोल्ड करना मतलब डांटना, तो कोई भी उसे डांटेगा नहीं. नो बडी मतलब कोई भी नहीं डांटेगा उसे. तो ये रूल्स किसके लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए है कि जल्दी घर आ जाना है, का लड़कों के लिए नहीं है. तो यहाँ पे यही दिया गया है कि वो दोनों उसके भाई है, अगर वो लेट हो जाएंगे तो कोई भी उसे डांटेगा नहीं. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ अ नॉट फेयर, प्रतिभा ये सोचती है कि ये जो है वो फेयर नहीं है, न्याय नहीं है, है ना. वाई शुड देयर बी अ वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, कि उसके लिए भी अलग रूल है और उसके भाई के लिए भी क्यों अलग अलग रूल है. बट वॉट कैन शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी. हर एक लड़की को ये पसंद तो नहीं होता है कि उसके लिए और उसके भाई के लिए या फिर गर्ल्स या बॉयज़ के लिए रूल्स अलग अलग हो, लेकिन वो क्या कर सके, है ना. पर ये जो क्वेश्चन आंसर है लेट्स टॉक के, ये वाले तो मैं आपको जो भिजवा दूंगी तो उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख देने हैं अपने नोटबुक में. उसके बाद है मीना आंटी. तो मीना आंटी का क्या यहाँ पे चैप्टर है, तो चलो देखते हैं. वन डे मीना आंटी टू पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. बीच मतलब दरिया का जो किनारा होता है उसे बीच बोलते हैं. तो वन डे, एक दिन मीना आंटी टुक, मीना आंटी ले गई पिंटू और पिंकी को एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स को कहाँ पे ले गए, बीच पे ले गए. दे प्लेड इन अ सैंड एंड वाटर, तो वहाँ पे वो रेत में और पानी में खेल रहे थे. सैंड मतलब रेत, वाटर मतलब पानी, खेल रहे थे. एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन अ जाइंट व्हील, और जाइंट व्हील पे वो राइड करने के लिए गए. जाइंट व्हील का मतलब गुजराती में कहवाय चकडोल. ओके, आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी, उन्होंने क्या खाया, भेलपुरी खाया. उसके बाद एंड बॉट बलून्स, और बलून्स खरीदे. देन एवरीबडी एन्जॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फी, और सभी लोग क्या एन्जॉय कर रहे थे, आइसी कोल्ड कुल्फी मतलब ठंडी कुल्फी. देखो यहाँ पे सबके हाथ में कुल्फी है, दिख रहा है कुल्फी खा रहे. वैन कुल्फी सेलर आस्क फॉर मनी, जब भी कुल्फी सेलर ने पैसों के लिए पूछा, ही मेड अ मिस्टेक, तो उसने मिस्टेक की. ही चार्ज फॉर 5 kulfis इंस्टेड ऑफ 7, तो उसने क्या किया कि 7 kulfis की जगह पे उसने 5 kulfis का ही चार्ज लिया. यानी कि उसने 7 kulfis तो दी थी, लेकिन उसने सिर्फ 5 kulfis के ही पैसे लिए. द चिल्ड्रन थॉट हुर्रा वी हैव सेव्ड मनी, बच्चे बोले कि हाँ हमने पैसे बचा लिए. सेव्ड मनी मतलब पैसे बचा लिए. बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 kulfis, लेकिन मीना आंटी ने कितने कुल्फी के लिए पेड किया, 7 kulfis के लिए. टू कुल्फी सेलर, कुल्फी सेलर ये है तो उसे फिर से बोला कि आपने 5 kulfi के ही पैसे लिए, ये लो 2 kulfi के एक्स्ट्रा, मैंने आपसे 7 kulfis खरीदी है. तो मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द चिल्ड्रन, तो मीना आंटी ने जो भी उस दिन काम किया वो काम हमेशा बच्चों के द्वारा क्या होगा, रिमेम्बर्ड मतलब याद रखा जाएगा. एंड
ये स्टोरी क्या सिखाती है हमें कि कभी भी हम कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें कैलकुलेशन में अगर सामने वाले की मिस्टेक है तो हमें बता देना चाहिए, अगर उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं या कम पैसे लिए हैं तो दोनों केसेस में हमें उसे बताना पड़ेगा कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है ना। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट शुड आई डू एंड वो विल डिसाइड। तो ये दोनों टॉपिक जो है, तो 3 टॉपिक्स अभी बाकी है लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो वाई द डिफरेंस और मीना आंटी में जो भी मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे अंडरलाइन वर्ड आपको 3-3 टाइम लिख के अच्छे से लर्न करने और दोनों स्टोरीज अच्छे से रीड कर लेनी है। ओके, थैंक यू।